हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ लेबर लॉ की। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसका हम ए पार्ट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। Now we are going to start with the second topic of the unit 1, that is constitutional validity of minimum wages act. Along with this we are going to do the objective of the act and applicability of the act. So let's start. So सबसे पहले हम जानते हैं कि इस act का objective क्या है। So the minimum wages act, आपको name से ही पता चल रहा होगा, minimum wages, minimum means कम से कम, and wages are the wages which you give to the workers, to the laborers, okay? So minimum wages act के अंदर एक minimum wages का standard set किया गया by the government कि इतना minimum standard है wages का, कम से कम आपको इतने पैसे तो उस worker को, उस labor को जो काम कर रहा है उसको देने ही देने पड़ेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि लेबर से काम करा जाता था 10 घंटे, 2 घंटे, एक पूरा महीना, 2 महीने, मतलब बहुत काम कराया जाता था, एंड उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे उस वर्क के, बिकॉज़ वो पुअर हैं, दे डू नॉट नो, दे जस्ट वांट मनी, सो वो रेडी हो जाते थे। तो इस तरीके से लेबर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता था। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए लेबर्स की मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट का बेसिक मोटो यही था कि एक्सप्लॉयटेशन को लेबर्स की रोका जा सके, एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर के लिए ये एक्ट बनाया गया। और वेलफेयर ऑफ लेबर ये एक्ट कैसे कर सकता है, कैसे करता है, बाय सेटिंग द मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस का स्टैंडर्ड सेट करके, ताकि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप हो सके, ठीक है। सो सेट करता है ये मिनिमम वेजेस लेबर्स की, बट इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स। कौन सी एम्प्लॉयमेंट्स में, वो एक्ट में मैंशनड है, ओके। एक्ट में स्केड्यूल्स गिवन है, उसके अंदर ये सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स मेंशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लेबर्स के लिए एक मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, ओके। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात देखी जाए तो द मिनिमम वेजेस एक्ट का जो सेक्शन 1 है, सो सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कि ये एक्ट किन किन जगहों पे एप्लीकेबल है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगर इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड होते तो वो मेंशनड होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सो सिंपली कहा जाए तो द मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया। सो अब हमने ऑब्जेक्टिव कवर किया, एप्लीकेबिलिटी कवर की, नाउ लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले हम इस रिगार्ड में देखते हैं आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंडेवर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसको, वर्कर्स और लेबर्स को जो इंडल्ज्ड हैं फॉर से फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में। कैसे, बाय मेकिंग लेजिस्लेशन और बाय मेकिंग एनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन एनी अदर वे, ठीक है, ताकि उनको भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, ओके। सो अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट था, इसकी वजह से जो लेबर्स थी उनके वेजेस फिक्स हो गए, तो इसकी वजह से लॉस हो गया एम्प्लॉयर्स को। अब एम्प्लॉयर्स ने कहा कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ये आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) में कहा गया है राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस। सो ये वाला एक्ट इस वाले आर्टिकल को वायलेट कर रहा है इंटरफेरेंस करके उनके बिजनेस में। तो ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज किया गया बाय द एम्प्लॉयर्स। सो नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So hit like if this video was helpful to you. Also subscribe to my channel for more such videos. Thank you.